कोई नशा करके यहाँ पड़े हुए हैं, कोई नशा करके वहाँ पड़े गए हैं। कई लोगों की तो इस तरह की जानकारियाँ हैं कि माता पिता इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो कई बार तो वही खुद ला ला के दे रहे हैं कि बच्चे ये ले कि जीवित रहे, सांस ले। इस तरह की स्थितियाँ बन गई हैं। कई माँ बाप तो बाहर बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो किस तरह से इस पूरे जाले में फंसा हुआ है। संत कहेंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। भारत से नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत सरकार जो है वो सज हुई है, और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है कि भारत से नशे को जड़ से खत्म कर देंगे। नशे की वजह से आप देखेंगे कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर आती रहती है कि ओवरडोज के कारण युवक की जान चली गई या युवती की जान चली गई, कोई नशा करके यहाँ पड़े हुए हैं, कोई नशा करके वहाँ पड़े गए हैं। कई लोगों की तो इस तरह की जानकारियाँ हैं कि माता पिता इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो कई बार तो वही खुद ला ला के दे रहे हैं कि बच्चे ये ले कि जीवित रहे, सांस ले। इस तरह की स्थितियां बन गई हैं। कई माँ बाप तो बाहर बता भी नहीं पा रहे हैं कि उनका बच्चा जो है वो किस तरह से इस पूरे जाले में फंसा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे सोची समझी रणनीति षड्यंत्र के तहत ये भारत में नशे को लाया गया और उसके बाद यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की गई। कई पीढ़ियाँ तो इसमें हम ये कहेंगे जो हमें दिखता है तो इसमें ज़्यादातर पीढ़ी तो बर्बाद ही हो गई है, और किसी से अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादातर तो आजकल कुछ हवा में ही हैं। और ये ज़्यादातर जो देखा जाता है हीरोइन चिट्टे का ज़्यादा ही यहाँ पर नशा जो है वो फैला हुआ है। दारू मदिरापान ये सब तो पहले भी करते थे लोग, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जितना चिट्टे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ ज़्यादा। लेकिन गृह मंत्री क्या कह रहे हैं आइए आपको जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार मादक पदार्थ की तस्करी को जड़ से समाप्त करेगी और देश के जरिए जहरीले पदार्थों की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपनी वीडियो संदेश में शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स यानी कि मादक पदार्थों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई हुई है और उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। बनती है। हमारा संकल्प है कि हम भारत में नारकोटिक्स का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से ड्रग को विश्व के किसी और देश में जाने देंगे। ड्रग के खिलाफ इस मुहिम में देश की प्रमुख एजेंसियां, विशेषकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, निरंतर अपनी जंग जारी रखे हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और मादक पदार्थ मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। जब तक मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं मिलती, हम आराम से नहीं बैठेंगे। ड्रग के विरुद्ध हमारी इस व्यापक और समन्वयित लड़ाई का ही असर है कि जहां 2006 से 13 में मात्र 768 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद हुई थी, तो वहीं 2014 से 22 में लगभग 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ की नशीली पदार्थ जब्त किया गया है और नशे के व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध पहले की तुलना में 181% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह मोदी सरकार की नशा मुक्त भारत के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही जून 22 में हमने जब्त किए ड्रग के दोबारा उपयोग को रोकने के लिए विनिष्टीकरण अभियान चलाया, जिसमें अब तक देश भर में
लगभग 6 लाख किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया जा चुका है। चाहे ड्रग की खेती को नष्ट करना हो या जन जागरण अभियान चलाना हो, गृह मंत्रालय सभी संस्थाओं और प्रदेशों के समन्वय से ड्रग मुक्त भारत के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई को बिना जन भागीदारी के नहीं जीता जा सकता। आज इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को और परिवार को ड्रग से दूर रखें। ड्रग न केवल युवा पीढ़ी और समाज को खोखला बनाता है, बल्कि इसकी तस्करी से अर्जित धन देश की सुरक्षा के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसके दुरुपयोग के विरुद्ध इस युद्ध में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें। अपने आसपास हो रहे ड्रग के व्यापार की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दें। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास से हम सब नशे की समस्या को जड़ से मिटाने में सफल होंगे और ड्रग मुक्त भारत का हमारा लक्ष्य हासिल करेंगे। मैं मोदी सरकार के ड्रग मुक्त भारत के संकल्प को सिद्ध करने में अपना योगदान देने वाली NCB और अन्य संस्थाओं को पुनः बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत लेते, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तो कई सारे बदलाव भारत देश के अंदर देखने को मिले हैं और ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसकी शायद ही कोई दूसरी सरकार होती तो वो इस तरफ इंटरेस्ट नहीं था। कई बार तो इस तरह का भी देखा गया कि कुछ नेता ही जो हैं वो इन्वॉल्व होकर खुद ही ये नशा तस्करी को बढ़ावा देते थे, क्योंकि इससे पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और जो भी लोग ये व्यापार करते हैं उसका कारण भी यही है कि क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है। इसमें कई आप लोग देखते हैं इजिली मनी जो है वो लोगों को लगता है कि इजी मनी मिल जाएगी, हम थोड़ा सा काम करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, इसलिए इस धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, गृह मंत्री अमित शाह जो ने सत्ता संभाली है, तब से स्थितियां बदली हैं, चीज़ों में बदलाव आ रहा है और अब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मादक पदार्थ को जड़ से ही समाप्त कर देंगे। उसके लिए हमें लगता है कि लोग भी प्रयत्न करें, लोग स्वयं भी बताएं कि कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं ताकि भारत सरकार को मदद मिले और इस मादक पदार्थ को, इस नशीली जो दवाइयां हैं, ये जड़ से हमारे देश से खत्म हो सके। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।